सरवटे बस स्टैंड पर जमीन को लेकर इस प्रकार विवाद हुआ कि देखते ही देखते हाथापाई पर उतर आए। पूरा मामला इंदौर के सरवटे बस स्टैंड के सामने का है, जहां एक निजी होटल के मालिक द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर प्रॉपर्टी के मालिक को डराया धमकाया जा रहा था। पूरे मामले में प्रॉपर्टी ब्रोकर के मालिक विजय वर्गीय ने बताया कि 2024 में जमीन को लेकर 20 लाख रूपये का लेन देन किया गया था। इसी एवज में आरोपियों द्वारा पूरी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से एक निजी होटल तैयार किया गया, जिसकी शिकायत विजय वर्गीय द्वारा डीआईजी आईजी सहित अन्य अधिकारियों को भी की गई। इसके बाद आरोपी द्वारा विजय वर्गीय एवं उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी शिकायत नजदीकी थाने में कई बार एवं अन्य अधिकारियों को भी की गई। उसके बावजूद भी आरोपी द्वारा बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, जिससे पीड़ित ने न्याय के लिए कोर्ट की शरण ली। वहीं बताया कि मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध रूप से एक होटल बना दी गई थी। जब भी मेरे द्वारा उनसे अपनी जमीन के लिए दिए गए पैसे की बात की तो जान से मारने की धमकियां दे दी जाती थी। मेरे को दुकान देने के लिए आनाकानी करते रहे हमेशा, और अब बोलते हैं कि मेरी अवैध दुकान है, मैं तो दूंगा नहीं, और उसके अलावा कई बातें बोलते हैं। और पैसा लेने के बाद मेरे को, मैं उनसे पूछने गया मेरा 327 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया किधर है, तो बोले ये रखा और वो रखा, गाली गुप्ता करते हैं, अब अभद्रता करते हैं मेरे साथ, और मेरे को आए दिन परेशान करते हैं। 5-25 लोग ये बैठे रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ बोला ही करते हैं। अभी भी आप चद्दरें लगा रखी 10 साल से, मेरे छोटे भाई को भी परेशान कर रखा है मेरे छोटे भाई। इस मामले में कहाँ कहाँ शिकायत? मैं सब जगह शिकायत कर चुका हूँ, आईजी डीआईजी कलेक्टर एसपी और अपने राज्यपाल को, सीएम के वहाँ, हर जगह सीएम हेल्पलाइन वगैरह सब पे मैंने बहुत काफ़ी शिकायत करी। शिकायतें 7-8 साल से कर रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मेरी जान को भरपूर खतरा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी किस प्रकार का विवाद हुआ था? अभी इस प्रकार का विवाद हुआ था कि मैं इससे पूछने गया मेरी 327 स्क्वायर फीट जगह कहाँ है कारपेट एरिया, उस पर तूने वर्किंग क्यों कर ली, कि मेरे को अभी अपना कि तूने बोला कोर्ट में केस है, तो मैं कोर्ट के केस के हिसाब से देर से पूछा, मेरा 327 स्क्वायर फीट बता कारपेट एरिया कहाँ है, तो ये बोलता गाली गुप्ता करने लग गया, अभद्रता करने लग गया, और इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करने की ने काफ़ी, और मेरे को परेशान करा और बहुत प्रतंडित कर दिया है। मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी इन लोगों ने प्रतंडित कर दिया है। मेरे छोटे भाई की दुकान के आगे 10 साल से चद्दर रियर वो लगाना, गाड़ियाँ खड़ी करना, अवैध पार्किंग करना, ये सारी चीज़ें करके मेरे को बहुत दुखी परेशान कर दिया इन लोगों ने। अब मेरे को दुकान देने के लिए भी नटता है। मेरे पैसे भी आपकी प्रॉपर्टी की जमीन है और कैसे कब्जा कर लेंगे? मेरे 327 स्क्वायर फीट की जमीन है और ये कब्जा कैसे करा है? ये कब्जा अंदर बनाने के बाद बोलता, पहले बोलता बन जाएगी दे दूंगा, पहले लाली बात देता है और बाद में बन गई, तो फिर बोले कोर्ट जा, कोर्ट से ले। कितने पैसे हजम कर गए? ये 20 लाख रुपए मेरे 9 साल से वापर रहा है, मेरे पैसे के ऊपर इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। इन्हें आज के 9 साल पहले इसने मेरे से 20 लाख रुपए लिए, उसके ऊपर 20 लाख रुपए में पूरी बिल्डिंग बना ली इसने मेरी। आपका नाम बताओ? मेरा नाम अशोक विजय वर्गी। क्या करते हैं आप? मैं नमकीन की दुकान पे सर्विस करता था, मैं भाई के साथ काम करता था, मेरी दुकान मेरी भी थी पहले, बाकी भाई के